हमारा पहला टॉपिक था सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन मार्केट्स एंड द इकोनॉमी। अब हमारा अगला टॉपिक है अ वीकली ट्राइबल मार्केट इन दोराई विलेज बस्तर छत्तीसगढ़। इन मोस्ट एग्रेरियन और पीजेंट सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड पीरियोडिक मार्केट्स आर अ सेंट्रल फीचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादातर जो खेती बाड़ी वाले या किसान संबंधित सोसाइटीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, वहां पर एक पीरियड में मार्केट्स जो हैं वो मुख्य माने जाते हैं, यानी पीरियोडिक समय समय पर जो मार्केट्स हैं वो मेन माने जाते हैं, मुख्य फीचर माने जाते हैं सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का। वीकली मार्केट्स ब्रिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस हु कम टू सेल देयर एग्रीकल्चर और अदर प्रोड्यूस एंड टू बाय मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड अदर आइटम दैट आर नॉट अवेलेबल इन देयर विलेजेस। जो साप्ताहिक बाजार लगता है उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग जो आसपास के गांव के हैं वो साथ में आते हैं, अपनी जो एग्रीकल्चर या उससे संबंधित और जो कोई उनकी पैदावार है उसको वहां वो बेचते हैं। इसके अलावा जो बनी बनाई चीजें हैं या ऐसे कुछ सामान हैं जो उनके गांव में अवेलेबल नहीं होते उनको वो वहां से खरीदते हैं। दे अट्रैक्ट ट्रेडर्स फ्रॉम आउटसाइड द लोकल एरिया एज वेल एज मनी लैंडर्स, एंटरटेनर्स, एस्ट्रोलॉजर्स एंड अ होस्ट ऑफ अदर स्पेशलिस्ट ऑफरिंग देयर सर्विसेज एंड वेयर्स। अब इससे जो है वो उन व्यापारी को जो लोकल एरिया से बाहर के हैं उनको आकर्षित करते हैं, उनको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ मनी लैंडर हो गए, एंटरटेनर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए और भी बहुत सारे खास लोग हैं जो अपनी सर्विसेज या चीजें देने के लिए वहां पर आते हैं। In rural India, there are also specialized markets that takes place at less frequent intervals. For instance, cattle markets. अब हमारा जो गांव का एक तरह से एरिया है भारत के अंदर, वहां पर कुछ खास तरह के मार्केट्स लगते हैं जो जल्दी नहीं लगते, बहुत जैसे कहने के कम कम समय पर लगते हैं, लेकिन अगर वो साल में एक या दो बार लगेंगे तो वो खास तरीके के मार्केट्स होंगे, जैसे कि कैटल मार्केट्स जो जानवरों का मार्केट होता है। These periodic markets link different regional and local economies together and link them to wider national economy and to towns and metropolitan centers. अब ये जो समय पर मार्केट्स लगते हैं या समय समय पर जो मार्केट्स लगते हैं टर्म पे, ये क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्र की या जो लोकल इकोनॉमीज है उनको साथ लाते हैं, उनको साथ जोड़ते हैं, साथ ही साथ एक जो बहुत बड़ी हमारी नेशनल इकोनॉमी है उससे जोड़ते हैं, टाउन से, मेट्रोपोलिटन सेंटर्स, इन सबसे उसको जोड़ा जाता है। द वीकली हाट इज अ कॉमन साइट इन द रूरल एंड इवन अर्बन इंडिया। जो साप्ताहिक एक मार्केट लगता है, हाट लगता है, वो एक आम बात है गांव के और शहर के इलाकों में। इन हिली एंड फॉरेस्टेड एरिया, स्पेशली दोज इनहेबिटेड बाय आदिवासीज, वेयर सेटलमेंट्स आर फार फ्लंग, रोड्स एंड कम्युनिकेशंस पुअर एंड द इकोनॉमी रिलेटिवली अनडेवलप्ड, द वीकली मार्केट इज अ मेजर इंस्टीट्यूशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एज वेल एज फॉर सोशल इंटरकोर्स। पहाड़ी और जो जंगल के इलाके हैं जहाँ पर खास तौर से आदिवासी लोग रहते हैं, जहाँ लोग बहुत पास पास नहीं रहते, काफी दूर दूर रहते हैं, रोड और कम्युनिकेशन के साधन उतने अच्छे नहीं हैं, इकोनॉमी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, तो वहां पर ये जो वीकली मार्केट है ये एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करता है, क्योंकि यहाँ से चीजें जो है उनका आदान प्रदान होता है, साथ ही साथ सामाजिक तौर पर मिलना जुलना होता है। Local people came to the market to sell their agriculture or forest produce to traders who carry it to the towns for resale and they buy essentials such as salt and agricultural implements and consumption items such as bangles and jewelry. जो local लोग हैं वो market में आते हैं, अपनी जो agriculture या forest संबंधी जो भी उपज है उसको traders को बेचते हैं, फिर वो traders उसको शहर ले जाते हैं, वहाँ उनको दोबारा बेच देते हैं, और जो खास तरह की चीजें हैं जैसे सॉल्ट है या एग्रीकल्चर से संबंधित जो चीजें चाहिए हैं या जो खाने पीने के आइटम्स हैं या इस्तेमाल करने वाले आइटम्स हैं जैसे बैंगल्स हो गए, ज्वेलरीज हो गए, इन सबको वो खरीदते हैं। बट फॉर मेनी विजिटर्स द प्राइमरी रीजन टू कम टू द मार्केट इज सोशल, टू मीट किन, टू अरेंज मैरिजेस, एक्सचेंज गॉसिप एंड सो ऑन। पर बहुत सारे विजिटर्स जो हैं उनका मकसद क्या होता है मार्केट में आना, एक सामाजिक मेलजोल, अपने कुनबे के लोगों से मिलना, मैरिजेस फिक्स करना उनको, या गॉसिपिंग करना, थोड़ी सी बातें इधर उधर की बात बताना और बहुत कुछ। तो एक तरह से जैसे आपने देखा होगा हाट में कितने लोग आते हैं, जरूरी नहीं है हर कोई खरीदने आया, सब कोई कुछ मिलने भी आते हैं, कुछ चीजें खरीदने आते हैं, कुछ बेचने आते हैं। व्हाइल द वीकली मार्केट इन ट्राइबल एरियाज मे बी अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन, इट्स कैरेक्टर हैज चेंज्ड ओवर टाइम।
अब कहने को ये जो हफ्ते वाला बाजार लगता है आदिवासी इलाकों में, ये बहुत पुरानी एक तरह से संस्था कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी काफी हद तक चेंज आया है जैसे जैसे समय बीत रहा है। आफ्टर दीज रिमोट एरियाज वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कॉलोनियल स्टेट, दे वर ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वाइडर रीजनल एंड नेशनल इकोनॉमीज। जब ये जो अंदरूनी काफी पिछड़े हुए इलाके थे इनको कॉलोनियल स्टेट के कंट्रोल में ले लिया गया, तब इनको जो है एक तरह से इंक्लूड कर दिया गया और बड़े क्षेत्रीय या जो हमारी राष्ट्रीय इकोनॉमी होती है उसके अंतर्गत। ट्राइबल एरियाज वर ओपनड अप बाय बिल्डिंग रोड्स एंड पैसिफाइंग द लोकल पीपल, मेनी ऑफ हुम रेजिस्टेड कॉलोनियल रूल थ्रू देयर सो कॉल्ड ट्राइबल रेबेलियंस, सो दैट द रिच फॉरेस्ट एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ दीज एरियाज कुड बी एक्सप्लॉइटेड। अब जो ट्राइबल एरियाज थे उनको जो है खोल दिया गया, कैसे, वहां पर रोड्स का निर्माण करा के लोकल लोग जो थे वहां के उनको मनाया गया, क्योंकि इसलिए जो लोकल लोग को मनाना क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कॉलोनियल रूल के खिलाफ थे, उनको ऐसा लगता था कि उनकी खुद की एक ट्राइबल या आदिवासी क्रांति है, एक बगावत है जिससे वो नहीं चाहते कि कॉलोनियल रूल जो है उन पर हावी हो, लेकिन तब भी वहां के लोकल लोगों को मनाने की कोशिश की गई ताकि वहां के जो फॉरेस्ट और मिनरल रिसोर्सेज हैं उनका एक तरह से शोषण किया जा सके। दिस लेड टू द इन्फ्लक्स ऑफ ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स एंड अदर नॉन ट्राइबल पीपल फ्रॉम द प्लेन्स इनटू दिस एरिया। अब इसके कारण क्या हुआ कि ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं या जो और नॉन ट्राइबल लोग हैं प्लेन्स से, अब इन इलाकों में उनकी एक तरह से घुसपैठ हो गई। द लोकल ट्राइबल इकोनॉमी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड एज फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज सोल्ड टू आउटसाइडर्स एंड मनी एंड न्यू काइंड ऑफ गुड्स एंटर द सिस्टम। जो वहां की लोकल ट्राइबल इकोनॉमी थी अब वो बदल के किसमें कन्वर्ट हो गई कि जो भी पैदावार हो रही है जंगल की उसको सोल किया जा रहा था बाहर के जो लोग थे उनको, और पैसा और नई तरह की चीजें जो है अब इस सिस्टम में एंटर कर चुकी। ट्राइबल्स वर ऑल्सो रिक्रूटेड एज लेबरर्स टू वर्क ऑन प्लांटेशंस एंड माइंस दैट वर एस्टैब्लिश्ड अंडर कॉलोनियलिज्म। ये जो आदिवासी लोग थे इनको अब अपॉइंट किया जा रहा था लेबर के तौर पे ताकि वो प्लांटेशंस और माइंस में काम कर सके जो कॉलोनियल के टाइम पीरियड में एस्टैब्लिश करी गई थी। अ मार्केट फॉर ट्राइबल लेबर डेवलप ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो ये जो ट्राइबल लेबर है इसके लिए एक मार्केट डेवलप हुआ कॉलोनियल पीरियड के दौरान। ड्यू टू ऑल दीज चेंजेस लोकल ट्राइबल इकोनॉमीज बिकेम लिंक्ड इनटू वाइडर मार्केट्स यूजुअली विद वेरी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर लोकल पीपल। अब ये सब जो बदलाव हुए इससे जो लोकल ट्राइबल इकोनॉमीज थी वो जो है अब लिंक हो गई बड़े बड़े मार्केट से, पर इसका बहुत उल्टा असर पड़ा वहां के लोकल लोगों को। फॉर एग्जाम्पल द एंट्री ऑफ ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स फ्रॉम आउटसाइड टू द लोकल एरिया लेड टू द इम्पोवरिशमेंट ऑफ आदिवासी, मेनी ऑफ देम लॉस्ट देयर लैंड्स टू आउटसाइडर। नतीजा क्या हुआ कि ये जो एंट्री हुई ट्रेडर्स की, मनी लेंडर्स की, बाहर से इनके लोकल एरिया में आने लग गए, उससे वहां के जो आदिवासी लोग थे उनकी जो है हालत खराब होने लग गई, वो गरीब होने लग गए, अपनी यहाँ तक कि उनकी जमीनें तक जो है उनसे छिन गई बाहरी लोगों के ऊपर। द वीकली मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, द लिंक बिटवीन द लोकल ट्राइबल इकोनॉमी एंड आउटसाइड एंड द एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बिटवीन आदिवासी एंड अदर्स आर इलस्ट्रेटेड बाय स्टडी ऑफ वीकली मार्केट इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट। अब वीकली मार्केट एक सामाजिक संस्था के तौर पर एक लिंक लोकल ट्राइबल इकोनॉमी और बाहरी लोग जो है उनके बीच में, और एक जो शोषण होता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप का आदिवासी और बाकी लोगों के बीच में, इसको हम और बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं जो वीकली मार्केट बस्तर डिस्ट्रिक्ट में लगता है उससे। दिस डिस्ट्रिक्ट इज पॉपुलेटेड मेनली बाय द गोंड्स एंड आदिवासी ग्रुप। इस डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली आपको गोंड्स मिलेंगे जो कि अपने आप में एक आदिवासी ग्रुप है। एट द वीकली मार्केट यू फाइंड लोकल पीपल इंक्लूडिंग ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स एज वेल एज आउटसाइडर्स मेनली हिंदू ट्रेडर्स ऑफ वेरियस कास्ट। जो वीकली मार्केट होता है इसमें आपको लोकल लोग ज्यादा मिलेंगे, खासतौर से ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स जिसमें ज्यादातर हिंदूज होते हैं या फिर बाहर के लोग होते हैं, और इसमें आपको मोस्टली हिंदू ट्रेडर्स मिलेंगे अलग अलग कास्ट के। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स केम ऑल टू द मार्केट टू कंडक्ट बिजनेस विद आदिवासीज हु वर्क फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द मार्केट अट्रैक्ट्स अ वैरायटी ऑफ स्पेशलिस्ट सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज। जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं ये भी मार्केट में आते हैं ताकि वहाँ वो बिजनेस कर सकें आदिवासी के साथ जो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ ये जो मार्केट है ये अट्रैक्ट करता है बहुत सारे ऐसे खास लोगों को जो अपनी चीजें और सर्विसेज को बेचते हैं। द मेजर गुड्स दैट आर एक्सचेंज इन द मार्केट आर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स।
अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, खास तौर से जो मेजर चीजें होती हैं वो मार्केट में एक्सचेंज होती हैं, वो मैन्युफैक्चर चीजें होती हैं, जैसे ज्वेलरी एंड ट्रिंकलेट्स, पॉट्स एंड नाइव्स। इसी तरह से नॉन लोकल फूड है, जैसे सॉल्ट है, हल्दी है। लोकल फूड में हो गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गई एंड मैन्युफैक्चर आइटम्स एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब चीजें जो है वहां पर एक्सचेंज होती है। अब नॉन लोकल फूड में आ गया आपका हल्दी है, नमक है। इसी तरह से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में जैसे बम्बू बास्केट्स हो गई, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आपका टैमरिंड, इमली और ऑयल वाले जो सीड्स होते हैं वो हो गए। द फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज ब्रॉट बाय द आदिवासीज इज परचेज्ड बाय द ट्रेडर्स हु कैरी इट टू टाउन। अब ये जो जितनी जंगल की पैदावार है ये आदिवासी द्वारा खरीद लाई जाती है, इनको ट्रेडर्स खरीदते हैं और फिर टाउन में बेचते हैं। इन द मार्केट द बायर्स आर मोस्टली आदिवासीज व्हाइल द सेलर्स आर मेनली कास्ट हिंदूज। मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो ज्यादातर आदिवासी होते हैं, जबकि मतलब एक तरह से खरीदने वाले आदिवासी होते हैं और बेचने वाले कास्ट हिंदूज होते हैं। आदिवासीज अर्न कैश फ्रॉम द सेल ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फ्रॉम वेज लेबर विच दे स्पेंड इन द मार्केट मेनली ऑन लो वैल्यू ट्रिंकलेट्स एंड ज्वेलरी एंड कंजम्पशन आइटम सच एज मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ। अब ये जो आदिवासी हैं इनको जो भी फॉरेस्ट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है या जो उनका एक दिहाड़ी तौर पर लेबर की तरह काम करते हैं उससे इनको कैश मिलता है। इस कैश को ये जो है मार्केट में स्पेंड करते हैं, खास तौर से जो सस्ती ज्वेलरी या उनकी जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उन पर, या फिर उन आइटम्स पे जैसे कि कपड़े हैं उन पर ये लोग अपने पैसे खर्च करते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड जेल द एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु स्टडीड धोराई द मार्केट इज सिग्निफिकेंट मच बियॉन्ड इट्स इकोनॉमिक फंक्शंस। अल्फ्रेड जेल जो है जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने धोराई की स्टडी करी और ये पाया कि जो मार्केट है उसकी काफी ज्यादा वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, अगर उसके आर्थिक फंक्शन को देख रहे हैं उसके अलावा उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल द ले आउट ऑफ द मार्केट सिंबलाइजेस द हायरार्किकल इंटरग्रुप सोशल रिलेशंस इन दिस रीजन। अब जिस तरीके से मार्केट का एक लेआउट बनाया गया है वो ये दर्शाता है कि एक हायरार्की चल रही है, जो आपस के इंटरग्रुप सोशल रिलेशंस होते हैं उस क्षेत्र में उनकी एक हायरार्की को दर्शाता है। Different social groups are located according to their position in the caste and social hierarchy as well as in the market system. अलग अलग तरीके के social groups जो हैं अपनी position के हिसाब से, चाहे caste में हो या समाज के उसमें देखा जाए hierarchy में, वो हमें देखने को मिलती है market system के अंदर भी। मतलब कहने का यह है कि जो अलग अलग social groups हैं, चाहे उनकी position caste में जो भी हो, social hierarchy में या फिर मार्केट सिस्टम में, हमें वो उसके अकॉर्डिंग दिखाई देते हैं। द वेल्दी एंड द हाई रैंकिंग राजपूत ज्वेलर एंड द मिडिल रैंकिंग लोकल हिंदू ट्रेडर्स सिट इन द सेंट्रल जोन। अब जैसे जो बहुत रिच या ऊंची पदवी वाले राजपूत ज्वेलर्स हैं या जो मिडिल रैंक वाले लोकल हिंदू ट्रेडर्स हैं वो सेंट्रल जोन में बैठते हैं एंड द ट्राइबल सेलर्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड लोकल वेयर्स इन द आउटर सर्कल्स। इसी तरह से जो ट्राइबल सेलर्स हैं यानी जो आदिवासी बेचने आते हैं, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हों या जो लोकल वहाँ के बर्तन बेचने वाले हों, वो सब बाहरी सर्कल में बैठते हैं। द क्वालिटी ऑफ सोशल रिलेशंस इज एक्सप्रेस इन द काइंड ऑफ गुड्स दैट आर ब्रॉट एंड सोल्ड एंड द वे इन विच द ट्रांजेक्शंस आर कैरीड आउट। अब किस तरीके की आपस में जो एक सामाजिक ताना बाना है वो कैसे दर्शाया जा सकता है कि वो किस तरीके की चीजों को लाते हैं, बेचते हैं और किस तरीके से उनके बीच में जो है एक ट्रांजेक्शन होता है। For instance, interactions between the tribals and non-tribal traders are very different than those of the Hindus of same community. अगर एक tribal और एक non-tribal trader के बीच में कोई interaction हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, वो काफी different होगी उसके मुकाबले अगर Hindus जो एक ही community के हैं वो आपस में interact कर रहे हैं। They express hierarchy and social distance rather than social equality. तो यहाँ आपको एक हायरार्की या एक सामाजिक तौर पे दूरी देखने को मिलती है बजाय सामाजिक में जो समानता है उसके बिल्कुल अलग आपको यहाँ पर दूरी देखने को ज्यादा मिलती है। एन आदिवासी विलेज मार्केट इन बस्तर। अब हम एक आदिवासी गांव का जो मार्केट है उसकी बात कर रहे हैं बस्तर में जो है। धोराई इज द नेम ऑफ द मार्केट विलेज लोकेटेड डीप इन द हिंटरलैंड ऑफ द नॉर्थ बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। धोराई जो है एक नाम है एक मार्केट गांव का, जहाँ पे कहना चाहिए गांव में मार्केट लगता है, बहुत ही अंदरूनी इलाके में नॉर्थ बस्टर डिस्ट्रिक्ट के छत्तीसगढ़ के अंदर।
On non-market days, Dora is a sleepy, tree-shaded hamlet treading an unscaled road which winds its way through the forest. अगर वहां पर जिस दिन मार्केट नहीं होता है उस दिन जो है ऐसा लगता है कोई चहल पहल नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सुनसान सा पड़ा हुआ है ना। बस सिर्फ कहते हैं ना जंगल का जो रास्ता है उसमें रास्ते में बस धूल उड़ रही है, सिर्फ इतना ही आपको देखने को मिलेगा। सोशल लाइफ इन धोराई रिवॉल्व्स अराउंड टू प्रिमिटिव टी शॉप्स विद अ क्लाइंटली ऑफ लो रैंकल एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट सर्विस हुज मिसफॉर्च्यून इट हैज बीन टू स्टेशन इन सच डिस्टेंट एंड इनसिग्निफिकेंट स्पॉट। जो सामाजिक जिंदगी है धोराई की वो सिर्फ दो एक बेसिक सी जो टी शॉप्स होती है उनके इर्द गिर्द घूमती है, जिसपे चाय पीने के लिए जो लो रैंक वाले एम्प्लॉयज हैं स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के वो आते हैं। अब उनकी भी बदकिस्मती कह लो कि उनकी वहाँ पर पोस्टिंग हो गई है इतने दूर जो ऐसे स्पॉट पे जिसकी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है। धोराई ऑन नॉन मार्केट डेज एवरी डे एक्सेप्ट फ्राइडे दैट इज हार्डली इट एग्जिस्ट एट ऑल, बट धोराई ऑन ए मार्केट डे माइट बी अ टोटली डिफरेंट प्लेस। अब अगर नॉन मार्केट डेज की बात करें धोराई की, सिर्फ फ्राइडे छोड़ दो तो ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं वो जगह। लेकिन अगर उसी चीज को हम जिस दिन मार्केट डे होता है उस दिन देखें तो बिल्कुल ही अलग जगह लगती है। पार्क ट्रक्स जैम द रोड, इतने ट्रक्स पार्क होते हैं कि रोड जो है वो उस पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। द लोली फॉरेस्ट गार्ड बस्टल अबाउट इन स्मार्ट न्यूली प्रेस यूनिफॉर्म्स वाइल द मोर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द फॉरेस्ट सर्विस डाउन फॉर द डे ओवरसी ऑपरेशंस फ्रॉम द वरांडा ऑफ द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। लेकिन जिस दिन मार्केट होता है उस दिन जो नॉर्मल फॉरेस्ट गार्ड्स है वो भी जो है बड़े स्मार्टली अपनी नई रेस्क्यू यूनिफॉर्म पहन के निकलते हैं, या जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं फॉरेस्ट सर्विस के उस दिन जो हैं वो अपने जो वरांडा है और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का वहाँ से बैठ के सारे ऑपरेशंस को देखते हैं। दे डिसबर्स पेमेंट्स टू द ट्राइबल लेबर्स, और उसके बाद जो वो पेमेंट है वो करते हैं जो वो आदिवासी मजदूर हैं उनको। व्हाइल द ऑफिशियल्स होल्ड कोर्ट इन द रेस्ट हाउस files of the tribals continues to pour from all directions laden with the produce of forest of their fields and of their own manufacture. jahan ek taraf se officials jo hain wo court jo hain wo lagate hain rest house mein, wahi jo tribals log hain unki files wo aati jati hain har taraf se, chahe usme jo forest ki produce hai usko lekar ho, kheton ko lekar ho, unki khud ki banayi hui cheezon ko lekar ho. they are joined by hindu vegetable sellers, एक तरह से कहते हैं उसके बाद हिंदू वेजिटेबल सेलर्स जो हैं वो आ जाते हैं, एंड बाय स्पेशलाइज क्राफ्टमैन फिर जो खास तरीके के कारीगर होते हैं वो आ जाते हैं, पॉटर्स हैं, वीवर्स हैं, ब्लैकस्मिथ हैं, सब वहां आपको दिखाई देंगे। द जनरल इंप्रेशन इज वन ऑफ द रिचनेस एंड कंफ्यूजन कंपाउंडेड बाय द फैक्ट दैट द रिलीजियस सेरेमनी एज वेल एज द मार्केट इज इन प्रोसेस। तो एक इम्प्रेशन क्या पड़ता है कि आपको वहां पर वैरायटी देखने को मिल रही है, रिचनेस देखने को मिल रही है, साथ ही साथ कंफ्यूजन भी है क्योंकि आपको वहां ऐसा देख फील होने लगता है कि जैसे रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, मार्केट भी है, तो सब कुछ जो है एक तरह से प्रोसेस में होता है। द होल वर्ल्ड इट सीम्स इज एट द मार्केट मैन एंड देयर डिविनिटीज अलाइक, पूरा संसार जो है उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है वो बाजार बना हुआ है, चाहे इंसान हो या उनके डिविनिटीज हो। द मार्केट प्लेस इज अ रफली क्वाड्रेंगुलर पैच ऑफ ग्राउंड अबाउट 100 yards square at the center of which there grows a magnificent banyan tree. अब ये जो मार्केट प्लेस है एक क्वाड्रेंगुलर जो होता है पैच है ग्राउंड का, मतलब चार डायरेक्शन वाला जो है एक पैच है ग्राउंड का जहां लगभग कह सकते हो आप 100 yards square का, और उसके बीचों बीच में एक बैनियन ट्री का पेड़ खड़ा है, इसके इर्द गिर्द जो है पूरा मार्केट लगता है। The thatched market stalls are arranged in a concentric pattern and are divided by narrow streets and defiles, along with customers maneuver themselves as best as they can in the crush, trying to avoid treading on the goods or less established traders who make use of every nook and cranny between the permanent stores to display their wares. अब जैसे आपने देखा होता है कि हाट में क्या होता है कि मार्केट जो है वो एक तरह से थैच वाला जो मार्केट स्टॉल है वो लगा लिया जाता है, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं कि बीच में आपको एक पतली सी सड़क भी मिल जाएगी जिसपे आप चल के दुकानों में जा जाके चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ परमानेंट स्टॉल्स वाले भी होते हैं, कुछ क्या कहते हैं उसके बीच में अपनी छोटी छोटी दुकानें बीच में नीचे लगा लेते हैं, और लोग क्या होता है उसमें से निकल निकल के कभी कोई चीज़ खरीदनी है कुछ करना है, तो एक तरह से मार्केट जो है हसल बसल वाली जो है पूरी तरह से जगह बन जाती है। अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक है कास्ट बेस्ड मार्केट्स एंड ट्रेडिंग नेटवर्क्स इन प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल इंडिया, ये करते हैं अगले वीडियो।